जो हम लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू मेजर या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। कि आप कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हो। देखो, इसके लिए हम करते क्या हैं, टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड वी विल यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसकी जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट है। भाई, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 वोल्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो, हमने ये लिखा था कि जो हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल जो है, या जिसको हम लिख रहे थे कि ई नॉट ऑफ सेल जो है, ये इक्वल था किसके, ई नॉट ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, और ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। ई नॉट ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। अब देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग लाइक कैथोड, भाई अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड बना दिया, तो देखो, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड, इसका क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर कैथोड लाइक कर रहा है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। तो अगर ये वैल्यू 0 वोल्ट है, तो अब जो सेल का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ सेल इज ड्यू टू एनोड ओनली, ठीक है। और इस टाइम पे हमारे पास क्या आएगा कि जो ई नॉट ऑफ सेल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट ऑफ एनोड के। तो यहां से क्या कर सकते हो आप कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका फाइंड कर सकते हो, एनोड का। ऑन द सेम बेसिस यू, अगर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड एक्ट कर रहा है, तो फिर आप कैथोड का क्या फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो उसको फाइंड करने के लिए। अब देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो बनेगा कैसे? तो देखो स्टैंडर्ड है ना, तो कंसंट्रेशन कितनी लेके चलोगे? 1 मोलर। तो यहां पे हम 1 मोलर लेके चलेंगे HCl सॉल्यूशन। इसका टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसके अंदर यहां से हम इनलेट करवा रहे होंगे हाइड्रोजन गैस को, यहां से हम इनलेट करवाएंगे हाइड्रोजन गैस, यहां पे वायर होगी। ये है प्लेटिनम, ये हमारे पास वायर है, कोई भी मेटल वायर हो सकती है, और ये यहां पे होगी प्लेटिनम फॉइल। प्लेटिनम फॉइल जो है वो हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिजोल्व H2 गैस डायरेक्टली कम डिजोल्व होती है, पहले मैटर के ऊपर एब्जॉर्ब होती है और फिर इसमें डिजोल्व होती है। तो ये हमारे पास अब देखो गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम बन रहा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो हम इसका यूज करते हैं किसी का भी पोटेंशियल मेजर करने के लिए। अब देखो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मुझे मान लो कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो देखो हम वो कैसे करेंगे। देखो 2-3 बारी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, दो दो तीन तीन नंबर का, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है, ये बताना है कि इसमें टेम्परेचर इतना लेके चलेंगे, प्रेशर इतना होगा, कंसंट्रेशन ये होगी, प्लेटिनम की फॉयल होगी, ये मेटालिक वायर लेके चलेंगे। अब देखो अब हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड मान के चल रहे हैं। मान लो कि हमें जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो मेजर करना है, तो भाई हम इस केस के अंदर क्या करते हैं? इस केस के अंदर हमने यहां पे जिंक का जिंक सल्फेट लिया हुआ है एक कंटेनर में, इसके अंदर जिंक की मेटल को डिप किया हुआ है, फिर इसके बाद यहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो मैंने यहां कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर ली हुई है HCl की, हाइड्रोजन गैस मैं यहां से इनलेट करा रहा हूं, इसका प्रेशर 1 atm है, यहां पे वायर ली हुई है, ये प्लेटिनम की फॉयल है, ठीक है, ये हमने इन दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस केस के अंदर मैं इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर लेके चल रहा हूँ, इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी वैसे ही साल्ट ब्रिज लगा के चलेंगे, अब देखो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग
फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो जिंक की मेटल से इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो फ्लो कर रहे हैं. अब देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लग सकता है कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो रहा है. अब करंट किधर फ्लो करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में. स्टडी करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. अब हमें पता कैसे लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे हैं? तो हम करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन. तो करंट की डायरेक्शन से ये कहां से फाउंड है? फ्रॉम करंट डायरेक्शन. तो करंट की डायरेक्शन से हमें पता लग गया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं? जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे. तो भाई अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या काम कर रहा होगा? एनोड. और ये क्या काम कर रहा होगा? कैथोड. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से हमें पता लग गया कि भाई कौन सा एनोड काम कर रहा है और कौन सा कैथोड काम कर रहा है. तो अब यहां से पता लग रहा है कि जिंक का क्या काम है? जिंक यहाँ काम कर रहा है एनोड का. और हाइड्रोजन जो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे? कैथोड. अब देखो इसके बाद अब रिएक्शन कैसे हो सकती है? अब अगर ये एनोड काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन. इफ ऑक्सीडेशन इज अकरिंग तो इसकी रिएक्शन क्या बननी चाहिए? भाई जिंक सॉलिड जो है वो किस में चेंज होगा? Zn प्लस टू एक्वस और साथ में क्या बनाएगा? दो इलेक्ट्रॉन. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिंक जो है इसके चारों तरफ क्या आ रहे होंगे? Zn प्लस टू. तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिएक्शन लिख दो, अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या करोगे? वापिस बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे. ठीक है. सॉरी. अब इस केस के अंदर ये क्या काम कर रहा है? कैथोड. तो यहां पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन. अब इस केस के अंदर भाई अब देखो दो चीजें हैं हमारे पास यहां पे, एक तो H प्लस है और एक H2 है. ठीक है. अब बात ये आती है कि इन दोनों में से रिडक्शन जो है वो किसका होगा? तो अगर H2 का रिडक्शन कराते हैं तो फिर H2 जीरो से कहां जाएगा? H माइनस में, क्योंकि जीरो वाला आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना चाहिए? माइनस में, जो कि बात सही नहीं है. हाइड्रोजन जो है उसका H नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल नहीं होता. तो आउट ऑफ H प्लस एंड H2 दो H प्लस, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे? H2. आपने चाहे आप साइड में लिख लेना कि इफ रिडक्शन इज अकरिंग, इफ रिडक्शन इज अकरिंग ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अगर रिडक्शन हो रहा है किस पे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, तो आपने ये रिएक्शन लिखनी है. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग लाइक एनोड, ये तो है एक्टिंग लाइक कैथोड. अगर एनोड एक्ट कर रहा है तो अब देखो H प्लस और H2 में से कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? H2. तो H2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये आपने ध्यान रखना है कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एनोड एक्ट कर रहा है तो ये रिएक्शन लिखोगे, कैथोड एक्ट कर रहा है तो ये रिएक्शन. इस केस के अंदर क्या एक्ट कर रहा है? कैथोड. तो ये रिएक्शन लिख दिया आपने. ठीक है. अब बात आती है पोटेंशियल की. तो इस केस के अंदर जो सेल का पोटेंशियल है वो आ रहा है ई नॉट फोर, सेल जो है वो आ रहा है 0.76 वोल्ट. ई नॉट इज कमिंग आउट टू बी 0.76 वोल्ट. तो अब यहां से देखो ई नॉट ऑफ सेल जो है वो किसके इक्वल है? ई नॉट ऑफ एनोड. और ये क्या है भाई हमारे पास? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड. और ये क्या है?
रिडक्शन पोटेंशियल, अब कैथोड कौन काम कर रहा है, एच टू, तो ई नोट फोर, अब देखो ये क्या काम कर रहा है, एनोड, तो क्या लिखोगे आप, ई नोट, अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जिंक चेंज हो रहा है किसमें, जेड एन प्लस टू में, तो आप लिखोगे ई नोट फोर जेड एन टू जेड एन प्लस टू, जिंक जीरो से कहां पे जा रहा है, प्लस टू में, प्लस ई नोट फोर एच प्लस टू एच टू, देखो रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन में एच प्लस किसमें चेंज हो रहा है, एच टू में, तो ये क्या शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू कितनी है, जीरो वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0.76 वोल्ट, तो ई नोट फोर जेड एन टू जेड एन प्लस टू इज 0.76 वोल्ट, ये तो क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है, 0.76 वोल्ट। अब अगर वो आपको कहे रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, तो ई नोट फोर जेड एन प्लस टू टू जेड एन, देखो जिंक प्लस टू से जा रहा है जीरो, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन को। अब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, कि भाई आप साइन आगे माइनस लगा दोगे तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट। तो जो ये हमारे इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा होगा भाई, -0.76 वोल्ट। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हो, यूज क्या करना है आपने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि जो ये हमारी सेल है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक है भाई रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। देखो जब सेल की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हुए देखो ऐसे आप दो बराबर लाइन लगाओगे, ये इंडिकेट कर रही है साल्ट ब्रिज को, आप इसकी लेफ्ट साइड पे लिखोगे एनोड, इसकी राइट साइड के ऊपर आप लिखोगे कैथोड। आपको ये ध्यान रखना है कि सोल्ट ब्रिज के दो बराबर लाइनों के जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है वो क्या काम कर रहा होगा, एनोड, और जो राइट साइड पे लिखा हुआ होगा वो क्या काम कर रहा होगा, कैथोड। अब आप एनोड को लिखोगे कैसे, एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, तो आप इसको ऐसे लिखोगे मेटल सॉलिड, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई पे जा रहा है, ठीक है, मेटल सॉलिड या लो ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आप सिंगल लाइन लगाओगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस, मायसेल्फ साहिल, और आज हम जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, भाई कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी हम नोटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, एक ऐसे डबल लाइन दिखेगी, ये डबल दो बराबर लाइन ये हम यूज करते हैं फॉर साल्ट ब्रिज, ठीक है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे आप लिखते हैं एनोड
और साल्ट ब्रिज के राइट साइड पे आप लिखते हैं कैथोड। तो भाई जो आपको सोल्ट डबल लाइन के लेफ्ट साइड मिलेगा वो एनोड होगा, जो डबल लाइन के राइट साइड मिलेगा वो कैथोड होगा। अब देखो जो एनोड है उसकी नोटेशन ऐसे होगी कुछ, अगर आप इसको नोटिफाई कर रहे हो तो एनोड को कुछ ऐसे होगा कि मेटल सॉलिड, सिंगल लाइन जो है ये इंडिकेट करती है फेस चेंज को कि भाई यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम मूव करेंगे कहाँ पे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मेटल सॉलिड, ठीक है, इसके बाद मेटल एक्वस, यही मेटल एक्वस में सम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और साथ में इसकी यहां पे कंसंट्रेशन, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन, ये हो गया। इसके बाद डबल लाइन, फिर कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लो ऑक्सीडेशन सॉरी हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम मेटल आयन, इसकी कंसंट्रेशन, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, मेटल सॉलिड में। ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। तो आपको ऐसे इंडिकेट करनी है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इसके बाद जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई अगर आपको नोटिफाई होके मिल रहा है ऐसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो लेफ्ट साइड पे होगा वो एनोड होगा और जो राइट साइड पे होगा वो कैथोड होगा, ठीक है, इसकी इंडिकेशन ऐसे होगी। अब इसके हम दो तीन एग्जांपल करते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं आपने देखना कैसे है। मान लो कि वो आपको ये कह रहा है प्लैटिनम आयरन प्लस थ्री आयरन प्लस टू सॉल्ट ब्रिज, यहां ऑब्लिक है एच प्लस विद एच टू प्लैटिनम, ये आपको सेल नोटेशन दी हुई है और हमको हमें इसकी रिएक्शन बनानी है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई इस सेल नोटेशन के लेफ्ट साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलता है, एनोड। इसके राइट साइड के ऊपर क्या लिखा मिलता है, कैथोड, ठीक है। अब देखो जो एनोड है इस पे हमारे पास ये तो प्लैटिनम वायर है जो उसने यूज की कर रखी है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। अब यहां पे दो चीजें हैं भाई, आयरन प्लस थ्री है और आयरन प्लस टू है, इनमें से एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जो मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करता है। तो यहां पे हमें क्या लग रहा, अब देखो इन दोनों में से लो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, आयरन की, तो आयरन प्लस टू एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें कन्वर्ट होगा, आयरन प्लस थ्री में, ठीक है। इसके बाद ये तो रिएक्शन होगी एट एनोड,
अब अगर आप लिखें, अब देखो आपको ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि गैस इज ऑलवेज, ऐसे लिख लो, गैस इज ऑलवेज रिटन विद विद इलेक्ट्रोड, और जो गैस है वो हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होगी, इलेक्ट्रोड के साथ। तो ये इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब क्या है कि H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। H प्लस के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस वन, H2 पे चार्ज कितना है, जीरो। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हम अगर इसकी रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या बन रही होगी कि दो H प्लस, क्योंकि देखो यहाँ H2 है तो H प्लस, या ऐसे लिख लो H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बना रहा है। अब देखो यहाँ एक H है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हाफ H2। देखो ये प्लस वन का था तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया तो चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल। ठीक है, तो भाई अब अपने पास जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन हमारे पास क्या बन रही है कि आयरन प्लस टू विद एच प्लस लेफ्ट और राइट साइड पे, जब आप ऐड करते हो लेफ्ट और राइट साइड पे अगर कोई सेम चीज है तो वो कैंसिल हो जाती है, अदरवाइज दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जो आपने रिडॉक्स में पढ़ा हुआ है। तो एच प्लस ये कन्वर्ट होके आयरन प्लस थ्री बना रहा है और साथ में क्या बनेगा, हाफ एच टू। तो जो ये हमारे पास सेल नोटेशन है, इसकी जो रिएक्शन होगी वो ये बनेगी। ठीक है, इसके बाद आप और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। मान लो कि आपको ये रिएक्शन लिख के दे रखी है या सेल नोटेशन दे रखी है, मान लो कि वो हमारे को ये कह रहा है कि भाई प्लैटिनम विद O2, प्लैटिनम विद O2 आगे H2O H प्लस, H2O H प्लस और साथ में यहाँ सोल्ट ब्रिज, इसके बाद वो हमारे को ये लिख के दे रहा है H प्लस MnO4 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस टू विद प्लेटिनम। देखो जो ये प्लेटिनम लिखा हुआ है ये हमारे को सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। अब देखो इस केस के अंदर, अब ये सॉल्ट ब्रिज, इसके लेफ्ट साइड पे ये क्या काम कर रहा होगा भाई, एनोड, और ये क्या काम कर रहा होगा, कैथोड। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं तो देखो इसकी रिएक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अब ऑक्सीडेशन कराना है अपने। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, जैसे अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी थी वैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। अब देखो ऑक्सीडेशन कराना है ना हमने, ऑक्सीडेशन, तो अब इनमें से ये देखो कि ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है। देखो वाटर है अपने पास, वाटर के अंदर हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज। अब देखो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये और इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता, तो मतलब है कि H प्लस का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अब वाटर के अंदर जो O माइनस टू है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, H2O के अंदर। तो अब देखो कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भाई जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन माइनस टू से कहां जा रहा है, देखो गैस हमेशा मेटल के साथ लिखी जाती है, गैस इज ऑलवेज रिटन विद इलेक्ट्रोड,
ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि गैस को हमेशा किसके साथ लिखते हैं, इलेक्ट्रोड के साथ। तो ऑक्सीजन गैस है, इसको इसलिए किसके साथ लिया हुआ है, प्लेटिनम के साथ। आपको इसमें यह देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब इन केस के अंदर अब ऑक्सीजन जो है वो -2 से किस में चेंज होगा, जीरो में, और क्या बना के देगा, O2। -2 से कहां जा रहा है, जीरो। तो अब ये बन गया एक ऑक्सीजन है, तो ये कितने बनेंगे यहां पे, 1/2। अब H+ के ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो साथ में क्या जनरेट होंगे, 2H+, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन कितने लॉस होंगे, -2 से कहां गया, जीरो। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे होंगे भाई, एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी हाफ रिएक्शन है वो हमारे पास ये बन रही होगी, ये कहां हो रही है, एट एनोड। जो एनोड है उसके ऊपर ये रिएक्शन हो रही है। अब बात आती है कैथोड की। अब देखो, मैग्नीज जो MnO4 नेगेटिव है, इसमें मैग्नीज पे +7 चार्ज है, ठीक है, आप निकाल सकते हो। MnO4 नेगेटिव, इस पे चार्ज निकालना है, इसको x मान लिया। प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, चार ऑक्सीजन है इक्वल टू -1, तो x-8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो भाई MnO4 नेगेटिव के अंदर मैग्नीज पे कितना चार्ज होगा, +7। तो अब मैग्नीज +7 से किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीज +2 में। H+ क्या होता है यहां पे, कैटलिस्ट। देखो, जब हमने रिडोक्स रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीज +7 से मैग्नीज +2 का कन्वर्जन हमेशा किस कंडीशन में होता है, एसिडिक कंडीशन में, कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो H+ जो है वो कैटलिस्ट है। अब हमारे पास बच क्या रहा है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, Mn+2। अब देखो, यहां पे ये कितने में था, +7 में, यहां पे कितने में है, +2। अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बना रहा होगा। तो अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको 2 से, और फिर आप उसको ऐड कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, इसकी नेट रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो नोटेशन है वो ऐसे आती है भाई, ये आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज द वे टू फाइंड विच वन इज एक्टिंग एज एनोड, विच वन इज एक्टिंग एज कैथोड, विच वन विल लूज इलेक्ट्रॉन, विच वन विल गेन इलेक्ट्रॉन। यू हैव टू सी दैट बाय चेकिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो फर्स्टली यू विल फाइंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन यू विल सी विच वन आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, विच वन आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। You have to always remember one thing, which I have told you many times, कि gas is always written with electrode. Gas will be written with electrode. तो ये electrode के साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये just एक electron flow की notation बताता है हमारे को, ठीक है। तो जो ये cell थी इसकी notation ये होगी भाई। अब देखो, इसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर next topic आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब देखो इसमें हम एक एग्जांपल और लिख के देखते हैं इसका। ये मान लो कि हमारे को सेल नोटेशन दी हुई है। अब आपको यहीं पे ही क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं कि हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। हम ना यहीं पे ही सबका चार्ज लिख लेंगे। ये +3 दिख ही रहा है, ये +2, ठीक है, हाइड्रोजन पे +1। अब देखो कि आप ये देखो कि साइड में चेंज प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कहीं पे साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन चेंज हो रहा होगा। तो H2O में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, O2 में ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज।
तो अब इसका मतलब क्या है, देखो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या आता है, एनोड। साल्ट ब्रिज के राइट साइड पे हमेशा क्या आता है, कैथोड। यह हमें पहले ही पता है। तो अब हमने देखो क्या करना है कि हमने इनकी रिएक्शन बनानी है। तो अब देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो लो से हाई। तो लो कौन सा है, आयरन प्लस टू वाला, तो आयरन प्लस टू चेंज होके क्या बनाएगा, आयरन प्लस थ्री। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है, वन, तो क्या करा होगा इसने, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस साइड, तो अब H2O जो है वो चेंज होके क्या बना रहा है, O2। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक, तो ये कितने बनने चाहिए, 1/2। अब हाइड्रोजन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो दो एच प्लस ऐसे ही जनरेट होंगे। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे होंगे उसने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भाई ये एट एनोड रिएक्शन होगी, ये एट कैथोड रिएक्शन होगी। नेट रिएक्शन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे, ये भी 2 और ये भी 2, जब आप ऐड करोगे। तो अब इस केस के अंदर, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे होंगे कि ऑक्सीजन -2 से, सॉरी, इसमें इधर ही आएंगे क्योंकि ये लॉस हो रहा है, यहाँ पे यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब आप ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या बन रही होगी, 2 आयरन प्लस 2, एक वाटर के साथ मिलके 2 आयरन प्लस 3, साथ में हाफ O2, 2 एच प्लस, ये रिएक्शन हो रही होगी। तो जो ये सेल नोटेशन थी, इस सेल नोटेशन की ये रिएक्शन जो है वो, जो ये सेल नोटेशन है इसकी ये रिएक्शन बन सकती है। आप बुक में और एग्जाम्पल भी हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सो थैंक यू।